हरियाणा रोडवेज की गुड़गांव डिपो की बस जो कि गुड़गांव से नारनौल वाले रूट पर चलती थी, इस बस के साथ एक हादसा हो गया है। हमेशा की तरह जब ये बस गुड़गांव से नारनौल वाले रूट पर जा रही थी तभी इस बस के सामने अचानक से एक गाय आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस हादसे में किसी भी सवारी को कोई भी चोट नहीं आई है। हालांकि इस बस का आगे का फ्रंट सारा का सारा टूट गया है और इस बस का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यह बस गुड़गांव डिपो की सरकारी बस है जिसका नंबर है HR55U1754। वैसे तो हादसे हमेशा ही बुरे होते हैं। इस बस के ड्राइवर का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गाय माता को बचाने की कोशिश की। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बस में किसी भी सवारी को कोई भी चोट नहीं आई है। काफ़ी बार देखा गया है कि पशुओं के रोड पर आ जाने की वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गाय का दूध तो निकाल लेते हैं लेकिन बाद में उनको खाना खाने के लिए तो क्या उनको फिर बाद में छोड़ ही देते हैं। लेकिन जब इन गायों को चराने की बात आती है तो वे लोग इन गायों को ऐसे ही रोड पर छोड़ देते हैं। तो खैर ऐसे लोगों को तो हम क्या ही कहें, उनको तो भगवान ही देखेगा। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जब भी आपको रोड पर कोई जानवर दिखाई दे तो आप अपने साधन की रफ्तार को कम कर लीजिए ताकि ना तो आपको नुकसान हो और ना ही उस जानवर को। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप कोई अपनी महत्वपूर्ण राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।